शुरू से ही मैं बहुत इज्जत करती हूँ मैम की और इज्जत के काबिल भी है मैम। मैं बहुत ही एक आप बहुत फॉर्चुनेट है कि मैम के आप अंडर आप सीख रहे हैं बहुत कुछ। आज का जो टॉपिक है आपका लेक्चर का करियर प्रोस्पेक्ट्स इन लैंग्वेज और दूसरा टॉपिक है आपका जो स्किल्स है सॉफ्ट स्किल्स या लैंग्वेज स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स वोकेशनल स्किल्स सभी के ऊपर मैं फोकस रखना ही मेरा। फर्स्टली द थिंग इज इसमें हमें नजर भी आ रहा लैंग्वेज। लैंग्वेज हमने शुरू से सुना है लैंग्वेज भाषा शुरू से वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड लैंग्वेज। एनीवन ऑफ यू लैंग्वेज है क्या? बचपन से हम ग्रामर बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। भाषा है क्या? भाषा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। तो भाषा में भी अगर हम बात करते हैं देर आर बेसिकली टू लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी। अगर हम अपने आपसे सवाल पूछें कौन सी लैंग्वेज में मैं ज्यादा आसान महसूस करती हूँ एक कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ विच लैंग्वेज डू यू फाइंड इजी? हिंदी हरियाणवी बोथ द आंसर्स। व्हाई? इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट टू लर्न। इंग्लिश का एक हवा एक हश हश एक क्यों बना हुआ है हमने कि इंग्लिश हमें इतनी मुश्किल लगती है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज वी शुड लर्न इट वी हैव टू लर्न इट नीड ऑफ द आर समय की जरूरत है। मानते हैं सब? हाँ या ना? आनी चाहिए यस और नो? यस। तो वी शुड लर्न इंग्लिश यस और नो? हाउ वी शुड लर्न इंग्लिश डू यू नो दैट यस और नो? यस। थोड़ा मंदा यस आया। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश इन एन इफेक्टिव मैनर। सब सीखना चाहते हैं? यस मैम। गुड। तो हिंदी हमने जो सीखा लेट मी कम टू दैट फर्स्ट। हम थोड़ा बचपन के दिनों में जाएंगे। हम पैदा हुए और पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले जब छोटा है 2 महीने का 4 महीने का माँ से पापा से दादी दादा एवरीवन हेलो बेटा क्या खाएगा पापा दादा दादी वी आर जस्ट लिसनिंग टू दैट लैंग्वेज। एक्सपोजर हमें मिल रहा है हिंदी का। माँ से तो नहीं बोल रही हाय हाय हाउ आर यू बेटा। नो वी आर जस्ट लिसनिंग टू हिंदी और हरियाणवी एज यू से। तो हम वो सुन रहे हैं। तो पहला स्टेप अगर भाषा को सीखने का आएगा तो वो आएगा लिसनिंग। उसके बाद व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप बच्चा बड़ा हो गया 6 महीने का साल का हो गया ही स्टार्टेड स्पीकिंग। बोलना शुरू कैसे किया? पापा माँ पानी खाना पीना वही बोला। वो ऐसा तो नहीं बोला हाउ आर यू हाय मॉम आई एम गोइंग टू द कॉलेज। नो बिकॉज़ ही हैज लिसन्ड टू हिंदी। एक्सपोजर हिंदी का मिला। तो दूसरा स्टेप क्या आया लिसनिंग के बाद? स्पीकिंग बोलना। एंड देन कायदा मिला दादी से। थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा चाव चढ़ता है पहले बच्चा जब घर में छोटा बच्चा होता है चलो पढ़ाते हैं तो घर में बुक्स लाई जाती है अ अनार क कबूतर ख खरगोश। अब तक हमारे माइंड में सेट है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सीधा सीधा आएगा एकदम से याद ही नहीं करना पड़ता। तो थर्ड स्टेप रीडिंग। हमने इसको देखा लिखा तो नहीं ना अभी तक। फिर स्कूल में उंगली पकड़ के माने छोड़ा वहां डॉट डॉट लगा के लिखना सिखाया। तो दिस इज हाउ वी लर्न अ लैंग्वेज। ऐसे हमने हिंदी सीखा और हिंदी हमें मुश्किल नहीं लगती। लगती है? No. कोई मुश्किल नहीं आती अपने आप को एक्सप्रेस करने में। यहाँ एक्सप्रेस करना इज अ डिफरेंट थिंग। आपस में तो हम गॉसिपिंग कितनी भी कर लेते हैं हिंदी में। कुछ शब्दों का चयन नहीं करना पड़ता। वी डोंट हैव टू चूज वर्ड्स सेलेक्ट वर्ड्स स्पॉन्टेनियस है नेचुरल है। तो लैंग्वेज लर्निंग के जो 4 स्टेप्स हैं अब इंग्लिश पे आते हैं। क्यों मुश्किल लगी? सुना इंग्लिश को बचपन में लिसनिंग आई स्पीकिंग आई रीडिंग आई सीधा का सीधा स्कूल में आके ही इंग्लिश के दर्शन हुए हमें या एक्सपोजर मिला। तो इंग्लिश का तो बेचारे का कसूर नहीं है वो हमें मौका ही नहीं मिला। बट नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी इट्स नेवर टू ओल्ड टू लर्न एनीथिंग। अभी भी हम एक भाषा को सीख सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली सीख सकते हैं। आजकल एक बहुत टर्म चल रहा है सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स। सुना है सॉफ्ट स्किल्स का किसी ने? पढ़ा हो सुना हो? क्या होती है सॉफ्ट स्किल क्या होता है हार्ड स्किल्स? एनीवन? हाँ जी मैम सॉफ्ट स्किल होती है जो हमारे व्यवहार में मिलती है और
जो हार्ड स्किल होती है, जो हमें डिग्री डिप्लोमा वगैरह से। हाँ जी, वेरी गुड। अब एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बहुत छोटा सा, उसमें आप सब लोग बड़ा अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे। मैं तो बता, सपोज हमने घर में एक कुक या एक सर्वेंट हायर करना है, एक घर में काम करने के लिए कुक लगाना है कि खाना वाने में हेल्प करे हमारे। तो किसी को फोन किया, हाँ जी एक कुक चाहिए। तो घर पे आता है इंसान, कुकिंग उसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, कुक बनने आया तो कुकिंग तो अच्छी होगी। लेकिन वो जो ड्रेस अप होके आया, हिज शैबिली ड्रेस, गंदा है, बाल बूल सटा से गंदे बंदे हैं, हाथ भी गंदे हैं, कपड़े भी गंदे पहने हुए हैं, और बोलने का तरीका तो और भी खराब है। हाँ जी क्या करना है, बहुत रूड है, बहुत रफ। हम उसको कुक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, वो भी सीखेंगे, और एक हेल्थ और हाइजीन भी जरूरी है खाना बनवाने के लिए। तो उसकी बेसिक जो स्किल थी, टेक्निकल जो स्किल थी, वो क्या थी? कुकिंग। भाई वो तो आना ही चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका एक प्रेजेंटेबल होना देखा, उसकी ग्रूमिंग देखी। तो बेटा एक लेक्चर सर्वे हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, और उसमें डेल कार्नेगी फाउंडेशन का भी सर्वे का मैं जिक्र करूंगी, उसमें ये मिला हमें कि 85% ऑफ सक्सेस ऑन अ वर्क प्लेस डिपेंड्स अपॉन सॉफ्ट स्किल्स, ओनली 15% डिपेंड्स ऑन योर हार्ड स्किल्स, ऑन योर टेक्निकल स्किल्स। तो अगर हम इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं, वी हैव आवर डिग्रीज, हम एलिजिबल है, हमारे पास एक डिग्री है, बीए की, एमए की, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, दीज आर हार्ड स्किल्स जो असेंशियल है, जो मैंडेटरी है, जो कंपल्सरी है, एक डिग्री होना तो जरूरी है ही है। लेकिन इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए उससे कहीं ज्यादा 85% क्या जरूरी है? सॉफ्ट स्किल्स, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि आपके दिमाग में क्या क्लैरिटी है, आपकी वॉइस में कितनी क्लैरिटी है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ एक्सप्रेसिव यू आर, कि आपने जिंदगी में लक्ष्य क्या निर्धारित किए, क्या गोल सेट किए, कितना ज्यादा आप एक कंपैटिबल है, कितना आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, एक नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन कितना आता है। तो कितनी जरूरत है हमें सॉफ्ट स्किल्स की? मानते हैं कि जरूरी है हमें अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, कि केवल एक डिग्री लेना काफी है, या हम चाहते हैं कि हम एक स्मार्ट, हम एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी भी अपनी अपनाएं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स नाउअडेज? कितने लोगों को लगता है, कितने बच्चों को, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक एक्सपोजर जब आप दुनिया के अंदर बाहर निकलोगे तो कितना जरूरी है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग एफर्ट्स फॉर दैट? हम क्या अपने आप में एफर्ट्स कर रहे हैं? हम जो मेहनत यहाँ कॉलेज में जो कर रहे हैं वो 15% के लिए कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री के लिए कर रहे हैं। 85% कहाँ गया? कौन सिखाएगा? क्या कोई सिखा रहा है हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना? कहीं से सीख रहे हैं हम कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल करें? क्या वर्बल कम्युनिकेशन है? कैसे जेस्चर्स इंपॉर्टेंट है? हैंड मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है? आर वी लर्निंग दीज थिंग्स इन द कॉलेज? नो। तो बेटा ये कहीं ना कहीं से तो हमें सीखना होगा। तो स्टार्ट जस्ट डूइंग दिस थिंग नाउ, अभी भी हम सीख सकते हैं। आई गिव यू सर्टेन टिप्स जो आपको अभी से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली कल आप यहां होंगे और मुझसे भी अच्छा बोल रहे होंगे। कितने बच्चों को लगता है कि मैं अपनी बात मेरे मन में तो आती है, बट आई कैनॉट प्रेजेंट दैट थिंग इन एन इफेक्टिवली मैनर? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने बच्चों को लग रहा है कि अपनी बात हम बता, अंदर तो आ रही है लेकिन बताने में आधी चीजें भूल जाते हैं? कितने सारे इसमें भी कॉन्फिडेंस, सबको हाथ ऊपर करो पूरा, तभी तो सीखेंगे जब मानेंगे कि घर हमारे इतनी कमी है। गुड। हाँ जी, तो जब पता लग गया कि ये कमी है, कितने ठीक करना चाहते हैं इसको? सभी। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट टुडे। हाउ मेनी ऑफ यू विल डू परसिस्टेंटली द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू? कितने बच्चे मानने वाले हैं? बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर? बारे में हम बात कर रहे थे तो इसका एक अम्ब्रेला टर्म है ये, सॉफ्ट स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। कोई भी फिल्मी गाना जैसे हम गुनगुनाते हैं, एग्जांपल से बताऊंगी आपको जल्दी समझ में आएगा, कोई भी एक गाना दिमाग में लेके आओ, कौन सा गाना?
तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, नया नया गाना है। इसको ही अगर हम देखो बोलते हैं एक साइड से, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, गुस्सा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, नाराजगी, तो हमारी जो टोन है, द मैनर वी अटर आवर वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे आवाज ऊंची जाएगी, कहाँ पे नीचे जाएगी। एक मोनोटोनस रखेंगे उसको, यूं तो देखो वो तो अब लकीर भी अगर वो दिखाते हैं ना फिल्मों में, लकीर सीधी हो गई तो इंसान ही बन जाता है। तो वॉइस में भी अपने बेटा कोशिश करो कि हमारी वॉइस में पिचेस हो, हमारे एक्सप्रेशन अच्छे हो, हमारी हैंड मूवमेंट रहे, उससे आपका क्या होगा, एक इम्प्रेसिव लेक्चर रहेगा। आप खुद को इंटरव्यू की स्किल्स अगर आप देखेंगे तो एक तो नॉलेज होना इज मस्ट कि हाँ हमें सब्जेक्ट पर बोल तो हो, कुछ मैटर तो हो अंदर, वरना क्या बोलोगे। तो पूरा पढ़ के जाइए, खूब अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी हैबिट बना लो कि अखबार रोज पढ़ना ही पढ़ना है। अखबार रोज पढ़ेंगे तो फैक्ट्स आपके पास आते जाएंगे। इसके बाद बहुत बच्चों को एक झिझक रहती है, हेजिटेशन रहती है कि क्या करें, कांपते हैं पैर, बड़ों को भी कांपते हैं, बड़ों से भी अगर हम अंदर ही अंदर पूछेंगे तो ऐसा होगा अंदर हाथ ठंडे और कहीं ना कहीं कंपन। तो वो कैसे दूर हो, उसका भी तरीका है मिरर एक्सरसाइज। अगर घर में हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं एक चीज को बोलने की कोशिश करना, चाहे छोटा सा लिखना, उसको मिरर के सामने बोलना, उसके बाद देखना कि अपने आप ही कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे आपके अंदर। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, रिकॉर्डिंग कराओ अपनी, खुद ही कर लो, कैमरा लगा के बैठो और देखो, कोई सुन ही नहीं रहा होगा तो डेफिनेटली डर भी नहीं लगेगा, पैर भी नहीं कांपेंगे। उसके बाद मेक अ स्मॉल सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स, ऐसा सर्कल जो जजमेंटल ना हो, जो आपको पॉजिटिव एक फीडबैक दे। स्टार्ट जस्ट स्टार्ट विद स्मॉलर सेंटेंसेस, क्रिस्प, कि थोड़ा थोड़ा बोले, चाहे गलत बोले, तभी तो इंग्लिश बेचारी आ पाएगी। बीबीसी या कुछ भी देखो, हम लोग सारा दिन रील्स देखते रहते हैं फोन में, आजकल बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टा पे। एक बार शुरू कर दो ये रील देखना, आधा घंटा पता भी नहीं लगा कहाँ चला गया, होता है ऐसा। और रील में क्या देखोगे, एक बार जो गाना देखोगे ना, वो पता लग जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये यही देख रही है, तो वो बार बार आपको वैसा ही कुछ देगा, रोमांटिक और सैड, और आपका मूड पकड़ लेगा। तो डोंट वेस्ट टाइम इन दीज रील्स। शाम को सोते हो, कितनों को ध्यान रहता है सुबह कौन सी रील देखी थी, किसी को नहीं। तो एटलीस्ट हम आधा घंटा एक घंटा क्यों ना फोकस करें अपने करियर डेवलपमेंट पे, जो काम आने वाली चीज है, जो 85% की बात मैं कर रही थी, तो वो स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ इंग्लिश में रोज सुनेंगे, राइट। समझ में आए ना आए, कैप्शन आती है नीचे, वो वाला देखो शुरू में, कुछ ना कुछ एक लिसनिंग डालो, जो हिंदी सीखा था ना शुरू में, सुनने से आई थी, तो इंग्लिश को भी सुनना रोज स्टार्ट करेंगे। शुरू में बहुत दिक्कत आने वाली है, आई एम नॉट सेइंग कि थिंग्स वुड बी वेरी इजी फॉर यू, एक्सेंट अलग होगा, ये नेओ नेओ नो नहीं बोलेंगे, वो क्लियर बोलेंगे नेओ, बॉय नहीं बोलेंगे, बॉय भी नजर आएगा। फोनेटिक्स पढ़ते हैं सब, तो फोनेटिक्स में भी लगता होगा कि ये क्या है, व्हाई पुलिस इज पुलिस, तो थोड़ा सा फर्क रहेगा। वी ऑल आर इंडियंस, दैट इज ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। हम सब अपने देश पे नाज करते हैं, हमारी भाषा पे नाज करते हैं, हम चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, लेकिन बोले साफ बोले, बिल्कुल इसमें कोई अशुद्धि ना हो, सही हो, और वो हम सब जानते भी हैं। तो बस जरूरत है अपने आप को एक मुकाम देने की, अपने आप को एक डायरेक्शन देने की। मिरर एक्सरसाइज करिए, वीडियो बनाइए अपना, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करिए, पढ़िए बहुत, रीडिंग बहुत जरूरी है, एंड प्रैक्टिस। देखो बेटा, अगर तैरना सीखना है तो तालाब में तो कूदना ही होगा। अगर हम आपको रूल बता देंगे कि दीज आर द रूल्स ऑफ स्विमिंग, तो क्या उस रूल्स ऑफ स्विमिंग आ जाएगी, नो। तो सिमिलर इज इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। अगर रूल्स से, अगर टेंसेज में आपको शुरू से बचपन से चार्ट देखते आए हो टेंसेज का, एस ई एस यहां लगता है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, कितनों को याद है आया टेंस। अभी भी मैं बोलूंगी टेंसेज आर एन इंग्लिश टीचर, तो अभी भी लगेगा मैम कोई आसान सा ना टेंस का चार्ट बनवा जाओ। मेरी क्लास हमेशा होती है, फोनेटिक्स बार बार लेकर आते हैं, फिर भी लगता है कि नहीं, एक बार और, एक बार और, क्यों नहीं आ पाता, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। उनको अप्लाई करो, डेली के 5 वर्ड देखो कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, और उनको अपना अपना बना लो, उन वर्ड्स को स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स। ये बेसिक चीजें हैं, और देखना आपका ये जो हवा है ये दूर होता जाएगा। हमारे एक इसमें ये भी था कि करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप क्या जिंदगी में बन पाएंगे। सबसे पहला तो टीचर,
वी आर ऑल स्टैंडिंग हियर, मैम भी हैं, बाकी टीचर्स भी हैं. तो एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो करियर हमारा बन सकता है पहला टीचिंग में, बहुत इजी करियर है. इसके बाद एडिटोरियल असिस्टेंट भी बनते हैं. अखबारों में देखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून में एडिटर एडिटोरियल आता है, बड़ा सा लेख आता है, तो वो भी जॉब होता है. इसके बाद एक लेक्सिकोग्राफर, ये जॉब है, डिक्शनरी जो बनाते हैं, डिक्शनरी में भी चाहिए आपको, दोनों लैंग्वेजेस में आपको पूरा स्किल होना चाहिए. इसके बाद जर्नलिस्ट बन सकते हैं, मैगजीन जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, ट्यूशंस प्राइवेट दे सकते हैं, पब्लिशर, प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेटर का काम है, कॉपीराइट का, और एक सोशल मीडिया पर आजकल ब्लॉग बहुत लिखते हैं लोग, कि जो पूरा का पूरा एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर यू जस्ट राइट सर्टन थिंग्स. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग, जो नया एक करियर आया है इसमें. तो देर आर मेनी थिंग्स, बट शर्त ये है कि हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स हो कि हमने ये करना है. कितने बच्चों को लगता है कि दे हैव मेड अ गोल इन देयर लाइफ, कि हाँ मेरा लक्ष्य ये बनना है. हाउ मेनी ऑफ यू जिनका एक गोल निर्धारित है जीवन का, बताइए, रेज योर हैंड्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए बस. बाकी जैसा जीवन ले जाएगा चले जाएंगे, बहते धारे हैं, समय की रेत पर चलते जाएंगे. पास हो गए बीए में तो जहां एडमिशन मिलेगा पोल साइंस हिस्ट्री यही है ना, वही करेंगे, नहीं मिलेगा तो शादी हो जाएगी, लड़कियों का तो सबसे आसान है. तो जब तक बेटा सपना ही नहीं देखोगे तो पूरा कहां से करोगे. सपना जरूर देखना है. आज एक होमवर्क लिख के जाना है, घर जाके सोचेंगे कि मुझे क्या बनना है. जब सोच लेंगे मुझे ये बनना है, तो आधा तो सफर आपने तभी तय कर लेना है. उसके बाद उस चीज को पाने के लिए सीढ़ी, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और देखना मंजिल मिल ही जाएगी. अगर गोल ही नहीं बनाया, पहला स्टेप ही खत्म कर दिया कि चलो बह रहे हैं जी धारे, अरे बहोगे तो ठीक है, बहना तो है ही, लेकिन व्हाई डोंट यू डिफाइन योरसेल्फ कि मुझे यही बनना है. तो एम एट द सन, अगर ऊंचा गोल बनाओगे तो तारे तो मिल ही जाएंगे छोटे मोटे. अगर वो सन नहीं भी मिला तो अपना एक गोल जरूर बनाओ, अपने आप को ग्रूम करो उसी हिसाब से. मेहनत करने वालों को बेटा हर चीज मिलती है, हार्ड वर्क पेज यू एवरी टाइम इन लाइफ. बी कंसिस्टेंट, रोज का काम करो अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो डेफिनेटली मिलेगा वो लक्ष्य. एंड वी ऑल आर फीमेल्स, हम सब एक फीमेल कम्युनिटी यहाँ मोस्टली बैठी है, मेल्स भी हैं, तो लेट मी टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. कई बार लगता है हमें एज अ फीमेल, एज अ हमारी जो बच्चियां हैं, कि कुछ नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, भाई कमाने खाने वाला माँ बाप से शादी करा देंगे किसी से लड़के से, और हमारा क्या काम है, तो घर बैठ के अपना बैठी है, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. नहीं, जेंडर इक्वालिटी की भी हमें सोचना है. खुद को ऐसा पोर्ट्रे मत करो कि वी आर ऑब्जेक्ट्स. नो, हमारा अपना एक आइडेंटिटी है, वजूद है, उसे वजूद को पहचानो. कभी सुना है कि ये देखो एडवर्टीजमेंट आते हैं, वॉशिंग मशीन का एड आया, कौन आता है वॉशिंग मशीन के एड में, औरत, वॉशिंग पाउडर निर्मा औरत ही डाल रही है. Why don't a man is in that ad? Can't we see that? प्रेशर कुकर का ऐड आया, कौन दिखा, औरत दिखी. तो ये ऐसा क्यों डिमार्केशन कर रखा है, लड़के बेचारे को कुकिंग क्यों नहीं अच्छी लग सकती, लग सकती है, लड़के को भी इमोशनल होना अच्छा लग सकता है, उससे रोना भी आ सकता है, लेकिन मेल्स के साथ क्या जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग बाइक का ऐड आया, यामा बुलेट रॉयल एनफील्ड लड़के चला रहे हैं, और फेयरनेस का आया, सुंदरता का कम सिम का आया, लड़की बालों का आया, फिर लड़की. भाई हमें इतना फैशन की वस्तु क्यों मानने दे रही हो, फैशन करें हम अपने लिए करें, नॉट टू प्लीज अदर्स. हमारा अपना कुछ वजूद है या नहीं है, है या नहीं है, है. तो पहचानो इसको, फैशन करो अपने लिए करो, ये नहीं कि दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा और भाई कोई हमें तारीफें बटोरनी है. नो, फिल्मों में देखा जा रहे मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, भाई राकेश की जवानी क्यों नहीं, राजेश की क्यों नहीं, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, मुन्ना बदनाम क्यों नहीं हो रहा. मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे गिटक लेगा, अरे तंदूरी मुर्गा क्यों नहीं, हमेशा फीमेल से क्यों, हम मौका दे रहे हैं, हम हमें अपना वजूद देखना है. वी आर नॉट तंदूरी मुर्गी, वी हैव आर आइडेंटिटी, हमारा अपना वजूद है, हमारे अपना एक अस्तित्व है,
हम फीमेल्स हैं, हम कम नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे. वी आर नॉट सेक्स ऑब्जेक्ट्स, वी आर नॉट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी टू बी अप्रिशिएटेड. नो, हमारे अपनी पहचान हमारे वर्च्यूज से होनी चाहिए. यस, देखो इस औरत को, द वे शी स्पीक्स, द वे शी टॉक्स, यस, फर्म कैरेक्टर. एक छोटा सा बच्चा 6 साल का, माँ के साथ तुम्हें लड़कियों को बाहर जाना होगा कि मम्मी मुझे अपनी फ्रेंड के घर से किताब लेके आनी है, तो माँ एक 6 साल का चौकीदार आपके साथ भेज देती है कि जा बेटा बहन के साथ. भेजती है नहीं भेजती? तो 6 साल का बच्चा एक 20 साल की लड़की के साथ जा रहा है, भाई है मर्द. फिर बस स्टैंड से जा बेटा बहन आ गई लेके आ, या बेटा बहन को स्टेशन छोड़ दिया. सारी उम्र हमें चौकीदारों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि हम बचपन से, मैं एक सवाल सबसे पूछूंगी, हम सब फीमेल्स हैं, क्या बचपन में कभी ऐसा छेड़छाड़ वाला इंसिडेंट हुआ सबके साथ? लाइफ में कभी नहीं हुआ. यू ऑल आर लकी. कभी किसी ने बस में ऐसे नहीं किया? हाँ या ना? कभी पैर नहीं दबाया किसी ने? कभी कुछ और हरकत नहीं की? तो दैट इज वाई हम ये बात करते हैं. लेकिन अभी जमाना बदल रहा है. अभी देखो आप लोग सब प्यार होके पढ़ने आए हो. पहला तो स्टेप माँ बाप ने किया कि हमें यहाँ भेजा. अब हमें खुद को और ग्रो करना है, खुद को और पहचान देनी है. तो माँ बाप के लिए फक्र बनना है. वो तब बनेगा जब हम एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे. कितने बच्चे आप सोचेंगे जाके कि हाँ मैंने जिंदगी में ये करना है और उसके लिए मेहनत भी करेंगे. अब इसके बाद देखो बेटा, जो दूसरा हमारा था वोकेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स की बात हम पहले कर चुके हैं. वोकेशनल स्किल्स की जो हमें रोजगार दिलाएगी, कुछ ऐसे काम भी आगे एनईपी में जब हम फोकस करते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार लॉन्च करने वाली है, पता है सबको? यस, गुड. जीके सबके ठीक है, इसका मतलब एनईपी सुना है. तो एनईपी में आपका क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपको एक कोर्स कराया जाएगा. स्कूलों में ही शुरू कर देंगे कि जो आपको, जैसे पहले होता था एक स्टिग्मा था, एक कहीं ना कहीं एक टैबू था कि एक इंफीरियर समझा जाता था. कोई भी अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई कौन बच्चा करता था पहले, जो 12वीं में फेल हो गया, 10वीं में, कुछ और तो इसका बस का नहीं है, सीख ही ले कुछ काम, तो वो था. लेकिन अभी द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द सेटअप. अभी क्या हो गया, अभी गवर्नमेंट आपको सिखाएगी स्कूल से ही एक कंपनी वोकेशनल स्किल. कितने बच्चे होते हैं जो बहुत सुंदर सिलाई बुनाई कढ़ाई करते हैं? कितने बच्चों का एक ब्यूटी पार्लर में पैशन रहता है कि मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ? पढ़ाई का कई बार नहीं होता सबका टेम्परामेंट, तो अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग काम करना. देखो इंडिया में तो वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो अगर पॉपुलेशन में अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आर ओन टेस्ट तो वो अच्छा हो जाएगा. अब इसमें एक और सर्वे हुआ 2017 में और एक बड़ी हैरानी की चीज सामने आई कि इंडिया में केवल 5% स्टूडेंट्स ने वोकेशनल एजुकेशन ली थी, जो कि एक कुछ हुनर सीखा था, केवल 5%. यूएसए में 55% स्टूडेंट्स ने सीखा था 12वीं तक, कुछ ना कुछ सीखा हुआ था. जर्मनी में 75% स्टूडेंट्स ने सीखा था. साउथ कोरिया जहां से सैमसंग वगैरह की जो कंपनीज यही आती है, यहाँ पे 96% स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ सीखा हुआ था. तो हम कितना पीछे हैं अगर हम अपने अकॉर्डिंग. कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत सुंदर सिलाई करती हैं, कितने बच्चों को आती है सिलाई कढ़ाई? कितने सारे. अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती, सपोज फैशन डिजाइनिंग का या कोई कोर्स हम अभी से सीखना शुरू कर देते, तो कितना अच्छा चेंज आता, आप कितना और सीख पाते. तो वो आपका भी एनईपी में गवर्नमेंट ने फोकस किया है और दैट विल बी अप्लाइड वेरी सून, अगले सेमेस्टर से होपफुली स्टार्ट हो जाएगा. तो ये आपका वोकेशनल स्किल होता है, पूरा का पूरा जॉब ओरिएंटेड काम करना. ये आपका सारा का सारा जो आप सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन पाएंगे, उस फील्ड में आपका ये काम करता है. और कोई आपको अगर इस बारे में पूछना है तो हाउस इज ओपन फॉर एवरीवन, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. बस मेरी इच्छा यही है कि अपने पंखों को फैलाओ, उड़ने दो हवा में, बहना नहीं है, पूरा सोच के कि ये काम करना है, मेहनत करो एंड देखना पूरा संसार आपका होगा, सब शाइन करेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया. और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस. मटेरियल परस्यूज, भौतिकवादी चीजों के पीछे भागना इज नॉट जिंदगी. जिंदगी वो है जब सबके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे. हम ऐसा काम करें कि फक्र होवे इंसान होने का.
तो कुछ ना भी कर पाए तो इंसान अच्छे बनेंगे। बस मैं ये मानती हूँ कि ये सब बच्चियां एक बहुत बेहतरीन इंसान बनेगी जो दया रखेंगी मानवता पे, मानवता के बारे में सोचेंगी। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क।